आदाब, मैं हूं मोहम्मद शाह और आप देख रहे हैं न्यूज़ मैक्स। और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर पे और यहाँ पे लोग मौजूद हैं, खासतौर से डीयू जामिया जेएनयू के स्टूडेंट्स। कई डीयू के स्टूडेंट्स से बात करते हैं, वो लोग प्रोटेस्ट में मौजूद हैं इस वक्त। तो आप लोगों का यहाँ पे मौजूदगी किस लिए, आप सब लोग यहाँ पे आए? देखिए, आज देश भर के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि मॉब वायलेंस और मॉब लिंचिंग बढ़ गया है, जिसमें अभी दिल्ली के अंदर भी हम लोगों के आउटर दिल्ली में न्यू हरिदास नगर में हम लोगों ने एक इंसिडेंट देखा, जब 7 युवा मुस्लिम युवा थे, वो बुफेलो को ट्रांसपोर्ट कर रहे थे, उसमें आकर एक भीड़ ने आकर उन लोगों पे वार किया। मतलब 50 लोग आता है, भीड़ आता है और जाकर उनको मार देता है, और आज उसमें एक इतना ज़्यादा सीरियस है कि वो हॉस्पिटलाइज है। तो ये कोई पहला इंसिडेंट नहीं है, इससे पहले हम लोगों ने जुनेद का इंसिडेंट देखा है और राजस्थान के अंदर पहलू खान का हत्या देखा, जिसमें बार बार हम लोग सिटीजन्स दिल्ली के और स्टूडेंट्स ये रिट्रीट करने आए हैं कि हम लोग इस तरह का मॉब वायलेंस को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और पूरा जो हमारे स्टेट ने, हमारी पूरी सरकार जो है, जिस तरह से भी गौरक्षक को एक इम्प्यूनिटी दे रहा है, उसको एक प्रोटेक्शन दे रहा है, उस पूरे प्रोटेक्शन के खिलाफ हम लोग यहाँ पर आए हैं। हम बोल रहे हैं कि आप मोदी जी से भी, हमारा ये अपील है हमारे प्रधानमंत्री से कि वो अपनी छुपी चीज़ पे तोड़ें, क्योंकि जब तक वो नहीं बोलेंगे, जब तक लॉ का रूल ऑफ लॉ जब तक डिटरेंट नहीं साबित होगा, तब तक ये जो पूरे नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, ये लोगों का हिंसा बढ़ता जाएगा, और उस हिंसा को आज तोड़ने के लिए ही आज हम अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। आप लोग जो है भीड़ तंत्र और गौ के नाम पे जो हो रही नाजायज हत्या को लेके आप लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हो, तो एक स्टूडेंट होने के नाते आप लोगों पर इस चीज़ का क्या फर्क पड़ता है? एक स्टूडेंट होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम एक स्टूडेंट होने के नाते हमारी एक जिम्मेदारी बनती है समाज के प्रति, कि जो गलत हो रहा है उसको, अगर रॉन्ग डूइंग को अगर रोकना है तो वो सिर्फ यूनिवर्सिटी स्पेसेस से ही शुरू हो सकता है इस रॉन्ग डूइंग को रोकना। तो ये प्रोटेस्ट एक टाइप से हमारा कॉल आउट है कि ये जो मॉब लिंचिंग्स हो रही हैं रिलीजन के नाम पे या बीफ के नाम के या किसी भी चीज़ के नाम पे, इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। हम लोग ये पूछना चाहते हैं कि इस दिल्ली के शहर में संविधान हमारे देश की सबसे ऊपर का एक कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है जो सबको राइट्स देता है, उसके बावजूद भी पुलिस उस तरह से झुक करके बैठी हुई है। क्यों? ये सिर्फ पुलिस की बात नहीं है, सरकार भी क्या कर रही है इस मुद्दे पर, हम लोग इस सवाल देखिए, बयान देने से कुछ नहीं होता, बयान अगर सच में देना है तो सड़कों में आके जिन लोगों के साथ मॉब लिंचिंग हो रही है, जिनके साथ मॉब वायलेंस हो रही है, उसको रोकने का जिम्मेदारी सरकार की है, जो सरकार नहीं कर रही है। एग्जैक्टली यही किया जा रहा है कि बीजेपी और एसएस पर्टिकुलरली लोगों को इंस्टिगेट कर रहा है, लोगों के बीच में बंटवारा क्रिएट करने की कोशिश किया जा रहा है, लोगों के बीच में लड़ाई क्रिएट करने की कोशिश किया जा रहा है, और सरकार चुप होकर सब कुछ देख रहा है, देश के संविधान का धज्जिया उड़ाया जा रहा है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे इस वक्त पुलिस हेडक्वार्टर पे मौजूद है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं दिल्ली पुलिस के खिलाफ, क्या मेन वजह है इन तमाम बातों के पीछे? अभी पिछले कुछ दिनों में पूरे देश में जो गौ रक्षा के नाम पे जो हत्याएं ये देश झेल रहा है, जिस दौर से गुजर रहा है, ऐसा हम लोगों ने पिछले काफी कई दशकों में ऐसा नहीं देखा गया कि एक जानवर की जान को एक इंसान की जान से ज़्यादा ऊपर तोला जा रहा है। दलितों की, मुसलमानों की पूरी देश में हत्याएं हो रही हैं, और ये सिलसिला अभी ये नेशनल कैपिटल के पास आते ही जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले जुनैद की हत्या जब की गई ना यहाँ बल्लभगढ़ के पास में, वो एक बहुत ही भयानक, जिस तरह से ट्रेन में, जो एक गवर्नमेंट की संपत्ति है जहाँ पे अंदर तमाम सुरक्षा मौजूद होनी चाहिए, वहाँ पे एक आदमी की सिर्फ इस वजह से हत्या कर दी गई कि वो, उसके पास उसके बैग में बीफ होने का सस्पेक्शन था, गाय का मांस होने का सस्पेक्शन था, उस पर कुछ लंपेन एलिमेंट्स जो हैं सोसाइटी में, वो आके ट्रेन में घुस के उनकी हत्या कर देते हैं। और यही चीज़ दिल्ली में भी देखी गई। दिल्ली में शनिवार की रात को, शुक्रवार की रात को, कुछ लोगों ने गौ रक्षा के नाम पे एक बस में, एक ट्रक में कुछ भैंसें जा रही थी, उन लोगों को बहुत बुरी तरह हमला किया गया, उनसे जान से मारने की कोशिश की गई, बहुत बुरी तरह उन लोगों को पीटा गया। तो इस पूरे, ये जो पूरा गौ रक्षा के नाम पे हत्याओं का दौर चल रहा है, लिंचिंग की कोशिश की जा रही है, और इसमें पुलिस अपने हाथ बांध के बैठी है, पुलिस के छत्रों छाया में, सरकार की छत्रों छाया में ये लोग पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, पुलिस का प्रोटेक्शन मिल रहा है, और उसके साथ ये लोग हत्याएं कर रहे हैं और लिंचिंग कर रहे हैं, लोगों की हत्याओं की कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ यही संदेश देना चाहते हैं कि इस देश में इंसानों की जान सबसे ऊपर है, आप गाय को इंसानों से ऊपर रख के आप इस देश, ये देश संविधान से चलता है, और आप एक गाय के लिए और चीज़ों के लिए आप संविधान के खिलाफ जा रहे हैं, ना सिर्फ संविधान के खिलाफ जा रहे हैं, आप इंसान की
जान की कीमत नहीं तोल रहे, और पुलिस और प्रशासन इसमें पूरा हाथ बांध के नहीं बैठा है, बल्कि ये अपना पूरा सपोर्ट दे रहा है इन तत्वों को। इस बीजेपी की सरकार में ये चीज़ें अखलाक से जो दौर शुरू हुआ जुनैद तक गया है, और अब यहाँ आके जो दिल्ली में आके कोशिश की गई शुक्रवार को, तो इन्हीं सब के खिलाफ हमारा प्रोटेस्ट हुआ। चलिए, तो जिस तरीके से आपने यहाँ पे मौजूद जो आपके और भी साथी हैं यहाँ पे मौजूद लोगों ने जो प्रोटेस्ट का एक आगाज़ किया है दिल्ली पुलिस को लेकर, तो यहाँ को चल के चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं कि यहाँ पे जो मौजूद लोग हैं उनका यहाँ पे मौजूद होने की क्या वजह है, और जो दिल्ली पुलिस के खिलाफ इस वक्त मौजूदा वक्त में आप लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो इन तमाम पीछे की इन चीज़ों के पीछे क्या वजह है और क्यों आप लोग यहाँ पे? देखिए, अभी तक जो चल रहा था प्रोटेस्ट तो लगातार पूरे देश में चल रहे हैं, कहीं एक जगह नहीं चल रहे बल्कि पूरे देश में प्रोटेस्ट चल रहे हैं। लेकिन आज हम यहाँ पर इकट्ठा हुए, जो तीन दिन पहले एक साथ दो वाक्य हुए, एक वाक्य जो है वो बाबा हरिदास नगर में हुआ जिसमें छः लोगों को पीटा गया, और एक काले खां में हुआ। काले खां में वाक़ा जो हुआ, ये घटना हुई 7 तारीख को ही, और उसकी जो FIR है वो कल तक नहीं हुई। FIR आज सुबह वो FIR हुई, और जो धाराएं लगाई गई हैं वो लगाई गई हैं गैर इरादे से रास्ता रोकना, गलत इरादे से देख लेना, यानी कि जिनका कोई मतलब ही नहीं है। तो इससे समझ में आ रहा है, एक तरफ तो ये जो गौरक्षक हैं वो अपनी गुंडागर्दी कर रहे हैं, और उसके साथ साथ ये पूरी दिल्ली पुलिस गुंडागर्दी कर रही है। इंसिडेंट 7 तारीख को होता है, 10 तारीख तक कोई FIR नहीं लिखी जाती, जो FIR लिखी जाती है उसका ऑफेंस बहुत लूज होते हैं। तो इस तरह के चीज़ों को देखते हुए हमारा प्रोटेस्ट है, और आज अभी हम लोग हमारे कुछ साथी जो है वो सीनियर पुलिस ऑफिसर से जो सनलाइट थाना है उसके खिलाफ जो है वो बात करने जाएंगे। अगर हमारी डिमांड्स नहीं मानी गई, दोबारा FIR नहीं ली गई, FIR में रीराइट नहीं करी गई धाराएं सेक्शंस, तो फिर हम एक बड़ा मूवमेंट बिल्डअप करेंगे। FIR जो लिखी गई है उसमें क्या लिखा गया है, क्यों आप लोग उसको रीराइट कराना चाहते हैं? भाई, असल मामला ये है कि पूरी एक भीड़ ने जो है वो जान से मारने के इरादे से उस पर हमला किया। 3 दिन से आदमी अस्पताल में एडमिट है, आप लोगों ने खुद उसके वीडियोस करे होंगे जाके। आपको क्या लग रहा है उसका रास्ता रोका गया? उसकी जिस तरह से पिटाई हुई, उसकी जान लेने की कोशिश करी गई, फिर भी उसके बावजूद जो धाराएं लगाई गई वो लगाई गई गैर इरादे से रास्ता रोकना, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। बाकी तो जिस तरीके से दिल्ली पुलिस पे यहाँ पे तमाम बैठे लोगों ने और जो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे लोग उस पे सवाल उठाते हैं दिल्ली पुलिस कहाँ तक की इन तमाम बातों को देखती है, और देखना ये है कि इस प्रोटेस्ट का कोई नतीजा निकलता है, और जो आए दिन जो भीड़ तंत्र का जो सिलसिला जारी है, जो गौरक्षा के नाम पर भी जो लोग मारते रहते हैं, ये वारदातें कम नहीं हो रही हैं, तो इस पे प्रशासन का और पुलिस का क्या रवैया रहता है? इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखने की बहुत ही ज़्यादा सख्त ज़रूरत है, सख्त कानून लाने की ज़रूरत है, और इस पे इसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो इन्हीं तमाम बातों को लेके जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसको देखिए, और देखते रहिए न्यूज़मैक्स।